अगर यहाँ किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ लगा के दिखाए कोई, अगर हम भी पाव पे पाव रख के ना चीर के दिखा दे उसको, आज वाल्मीकि समाज सुरक्षित है कहाँ? कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस वो करता ही नहीं है। आज कई गांव वहाँ ऐसे कि जिन कुएं के ऊपर हमें पानी भी नहीं पीने दिया जाता। ये जिनकी सरकार बैठी है इन्हीं को तो चुभन है और किनको चुभन है? सब हम सब हिंदू हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक हैं। हमें कौन मानता हिंदू? रोजी रोजगार के अंदर हमारे को इग्नोर किया जा रहेगा, कहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं, कोई भर्ती नहीं वाल्मीकि समाज के लिए, क्या दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री तक हम अपनी आवाज को लेके जाए कि इस बिल को जो अपकमिंग सेशन है उसके अंदर जल्द से जल्द हमारी आवाज को उठाया जाए और एसटी रिजर्वेशन के बिल को पास कराए। अगर प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, अगर बिल्कुल ही चुपचाप होकर के बैठ जाएंगे तो ये वैसे ही दबा रहे हैं तो और दबाएंगे। शिविरों के अंदर ये वाल्मीकि समाज का नौजवान घुसता है और जब वो बाहर निकलता है तो मरी हुई उसकी बॉडी बाहर निकलती है, ना कि जीवित निकलता। कहने में और करने में नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री में जमीन और आसमान का फर्क है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप ये पोस्टर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से लोग आए हुए हैं, जो भी लोग यहाँ पे हैं ये आंध्र प्रदेश से आए हैं और वो तेलुगु में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन देने की ये लोग मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं ये लोग केंद्र सरकार से। और ये सारे लोग जो आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टेज पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और इनके साथ लीगल वकील हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या सब मांग है। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक सवाल है और मैं तीसरी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और साथ में मेरे साथी भाई है पंकज मोहन नाम इनका। बताइए आप क्या सवाल है आपका? ये क्या रिजर्वेशन वाल्मीकि समाज के लिए रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ? बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें रिजर्वेशन की पावर देता है, प्रोविजंस है उसमें, सर्टेन प्रोविजंस है। तो जो एससी कैटेगरी है, तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बेसिकली क्या, जो एससी कैटेगरी में जो वाल्मीकि कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया में आती है, ठीक है, बट आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस में आती थी अर्लियर। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एसटी कैटेगरी में इनको इंक्लूड कर लिया है। तो अभी ये बिल पास हुआ था, रिसेंटली पास हुआ था, वो पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कानून बन नहीं पाया वो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। तो वही इसके लिए डिमांड कर रहे हैं इंप्लीमेंट करें फोर्थ कमिंग सेशन में जल्द से जल्द। मालूम है कि इससे पहले भी आ चुके रिजर्वेशन की मांग करने के लिए। हाँ, मैं तो अभी जुड़ा हूँ, बाकी इनकी मांग ये कई टाइम से मांग चल रही है, लगातार मांग चल रही है। केंद्र सरकार इस पे क्या बोल रही है? केंद्र सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस है, स्टेट ने कर दिया। अब हम अपनी बात कर रहे हैं, उनको क्या पता वो भूल चुके हो, तो उनको याद कराने के लिए हमारे लोग सब लोग आ रहे हैं। इसमें कहीं जनगणना का रोल है? जनगणना का मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना मैं इसमें कमेंट करूंगा, बट हमारी जो डिमांड है ये कि हम इसको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑलरेडी पास हो चुका बिल और उसको बस अब इंप्लीमेंट करना पार्लियामेंट से। क्या क्या आप आंध्र प्रदेश से हो, हिंदी आती है? हिंदी अच्छा है। हिंदी आती है? आती है। क्या क्या मुसीबतों का सामना, जैसे कि एसटी में नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, अगर नहीं रिजर्वेशन मिल रहा है तो क्या क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी एसटी बना को और सेंट्रल को दिल्ली की भेज दिया। दिल्ली वाला नरेंद्र मोदी सिंह आंध्र प्रदेश को एसटी बनाना नहीं बना रहा है। नहीं, दिक्कत क्या होती है? आपको लीगल प्रोविजन बताता हूँ, क्या लीगल प्रोविजन है। हमारा शेड्यूल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो एससी एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो अगर एसटी एसटी के एडमिशन में कुछ प्रिविलेज हो जाते हैं कि कोई भी, जैसे कोई भी नागालैंड है या कोई भी स्टेट है जो शेड्यूल ट्राइब्स है, तो शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, कई सारी सुविधाएं मिलती है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। तो रिजर्वेशन में एसटी अगर इंक्लूड किया गया तो पहले बैकवर्ड क्लास में थे। तो बेसिकली आपको एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जो वाल्मीकि कम्युनिटी है पूरे इंडिया में मैक्सिमम स्टेट में एससी कैटेगरी में आती है और एसटी में होती है, तो उसके प्रिविलेज होते हैं, सुविधाएं मिलती है, कई सारे बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा मिलते हैं, इसलिए वो दे आर सीकिंग द डिमांड। नहीं, वो तो डिमांड तो ठीक है, अगर जैसे कि अगर फुलफिल नहीं होता है डिमांड, मतलब इन लोगों को किस प्रॉब्लम से गुजरना होता है, वो अगर डिमांड जो चीजें मांग रहे हैं, प्रॉब्लम वही कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आती है। अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन तो उसका अलग बेनिफिट है, ओबीसी में अलग रिजर्वेशन है, तो वो एसटी का अगर उनको कैटेगरी मिल जाती है तो उनको बेनिफिट वहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा और भी सरकारी जितनी भी सुविधाएं है, जितनी भी स्कीम्स है उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा हर तरीके से। हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़। मैं पंकज मोहन एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करा है हमारे जो फाउंडर और प्रेजेंट हैं वाल्मीकि रिजर्वेशन पोत्रा समिति के मधुरे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जगन्नाथ रेड्डी साहब ने इस बिल को पास कर दिया। हमारी डिमांड ये है कि जंतर मंतर से हम अपनी आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री तक हम अपनी आवाज़ को लेके जाए कि इस बिल को जो अपकमिंग सेशन है उसके अंदर
जल्द से जल्द हमारी आवाज़ को उठाया जाए और एसटी रिजर्वेशन के बिल को पास कराया जाए। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब लगातार ये लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है और तमाम लोग आते हैं यहाँ पे डिमांड करने के लिए, उधर जवान भी बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि मांगे पूरी होगी? मांग पूरी करना ना करना ये दूसरा विषय, लेकिन आज एक प्रोटेस्ट के माध्यम से हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद यहाँ से हमारी लीगल टीम और हमारे चेयरमैन फाउंडर सुभाष चंद्र बोस जी और जनरल सेक्रेटरी रविंदर चौधरी जी एक मेमोरेंडम लेके प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाएंगे और उस मेमोरेंडम को हम अपना वहां पे देकर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू भी शेड्यूल ट्राइब कास्ट से है, वो आदिवासी है, तो वो अच्छा रिस्पांस देगी आपको लगता है? नहीं, ऑलरेडी आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हमारे को एसटी में ला दिया है, अब बात केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार हमको वहाँ पे एसटी के अंदर लाए। नहीं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब है, हमारी माननीय जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो भी एसटी से हैं। हाँ, तो ये चीज में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि तुरंत? हमने एक लेटर अपने राष्ट्रपति साहिब जी को भी लिखा है इसके रिगार्ड में और एक मेमोरेंडम हम उनको भी देखे आएंगे। तो हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, वो उधर महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे एक बार। कहाँ से? हिंदी आती है? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं आती। ओके, तो ये देखिए एक बार और आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वाल्मीकि समाज के ऑल इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बात करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है आपको कि अब तक मांगे पूरी हुई, क्योंकि इससे पहले भी लोग आ चुके हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की मांग करने के लिए, और क्या कुछ लग रहा है कब तक आप लोगों की मांग पूरी होगी और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वाल्मीकि समाज को? मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद है। मैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट एक हम लोग चलाते हैंगे और आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इन्होंने हमारे को भी यहाँ दिल्ली, क्योंकि नेशनल संगठन है, इन्होंने भी इन्वाइट किया था, तो इसलिए आज हम भी यहाँ पे हिस्सेदारी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की भी हैगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली नहीं, पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को अनदेखा किया जा रहा है, आज वाल्मीकि समाज सुरक्षित है कहाँ? कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस वो करता ही नहीं है। आज समय पे कोई वेतन नहीं, जबकि जिस प्रकार से आज सेंटर में गवर्नमेंट हो या दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है, और आज ये तेलंगाना से यहाँ लोग, हैदराबाद से यहाँ लोग, इतनी दूर से ये लोग यहाँ दिल्ली के अंदर चल करके आए हैंगे, क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो हमारे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने वादे जो किए थे, उन अपने वादों के ऊपर कहीं से कहीं कहीं पर भी वो खरे नहीं उतरेंगे। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से केजरीवाल ने 10 वादे जो किए थे एससी वर्ग के लिए, वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए, वो वादों के ऊपर भी वो पूरे नहीं उतरेंगे। वहाँ पे एससी वर्ग के अंदर जो वाल्मीकि जो कम्युनिटी के जो लोग हैंगे, उनको अपने न्याय और अपने हक के लिए यहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर पहुँचेंगे। मैं अपने संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से, इन तमाम दोस्तों का, इन मेरे मित्रों का, इन मेरी महिला शक्ति, मेरी माता, मेरे बहनों का भी धन्यवाद कि मोदी जी और केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करेंगे। तो फिर कैसे आप लोग ये उम्मीद करते हैं जब आपको भरोसा नहीं है और फिर भी मांग कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे चलेगा? मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर हम धरना अगर प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, अगर बिल्कुल ही चुपचाप होकर के बैठ जाएंगे, तो ये वैसे ही दबा रहे हैं, तो और दबाएंगे ये तो कैसे दबा रहे हैं? किस तरीके से दबा रहे हैं? किस चीज की सुविधा दे रहे हैं हमारे बच्चों को? आज आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए आज हमारे बच्चे कंपटीशन के अंदर बैठते हैंगे, वहां पर हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। रोजी रोजगार के अंदर हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। कहां पर कोई वैकेंसी नहीं, कोई भर्ती नहीं वाल्मीकि समाज के लिए, क्या दे रहे हैं? कैशलेस कार्ड, इतनी बड़ी बीमारी से शिविरों के अंदर ये वाल्मीकि समाज का नौजवान घुसता है और जब वो बाहर निकलता तो भरी हुई उसकी बॉडी बाहर निकलती है, ना कि जीवित निकलता। क्या सेंटर गवर्नमेंट दे रही है, क्या स्टेटों की गवर्नमेंट दे रही है, क्या दे रही है? कुछ भी तो नहीं दे रही है। कि आज हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर आप लोग खड़े होंगे, ये मेरे मित्र, ये मेरे दोस्त, इतनी दूर से चल करके दिल्ली के अंदर आएंगे अपनी मांग, अपनी डिमांड को लेकर के। यहाँ हजारों एमसीडी के अंदर एनडीएमसी का कर्मचारी रोडों के ऊपर काम करता हुआ मर जाता है। ना सेंटर गवर्नमेंट पूछने के लिए तैयार है, ना दिल्ली की स्टेट पूछने के लिए तैयार है। मिल क्या रहा है? समय पे वेतन नहीं, समय पे सैलरी नहीं, समय पे ईपीएफ नहीं, जीपीएफ नहीं। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा कि जो सरकारी जो कर्मचारी, जो दलित वर्ग का, जो वाल्मीकि कम्युनिटी का है, जो अपने नेक और अपनी ईमानदारी की जो पूंजी वो मांगता है, उसको अपनी पूंजी तक की नहीं मिलती, उसको जीपीएफ उसका नहीं है।
लेकिन जब आपने सुना होगा, आपने प्रधानमंत्री पे ऐसी बात कही, लेकिन वो हमेशा तमाम जगह जब भी रैलियां करते दलितों की वो बात करते हैं कि दलितों के लिए हम अच्छा करेंगे, दलित हमारे भाई बहन हैं, हम भी पिछड़े के बेटे हैं, आपने तमाम तरीके। मैडम कहने में और करने में नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या खाली चरण धोने से वाल्मीकि समाज का उद्धार नहीं हो जाता? प्रैक्टिकल काम करके दिखाओ। जो इनसे पहले जो सरकारें रही हैंगी, आज अगर हम अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, अगर आज अच्छा हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, जो इनसे पहले की जो सरकार थी उन सरकारों के बीच में हम सुरक्षित थे, आज की जो सरकार है उस सरकार के बीच में हम सुरक्षित नहीं है। वाल्मीकि समाज कांग्रेस में सुरक्षित है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया मैडम, मैंने ये कहा है कि इससे पहले जो पार्टियां थी उसके अंदर हम सुरक्षित थे, हमारी बहन हमारी बेटियां सुरक्षित थी। अब जो 2024 के अंदर जो इलेक्शन आ रहेंगे, जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे बच्चों की बात करेगा, जो हमारी बहन बेटियों की बात करेगा, जो हमारे बच्चों की रोजी रोजगार की बात करेगा, जो हमारे पेट की बात करेगा, ये वाल्मीकि समाज उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है। अगर वाल्मीकि समाज के बोर्ड के ऊपर राजनीति करनी है, अगर अपनी सत्ता बनानी है, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं उन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम को तो आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। राजेंद्र पाल गौतम का जब मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप चैनल पे, वो बोल रहे हैं कि जो दलित जो हैं, SC ST के लोग जो हैं, वो वोट बैंक का काम करते हैं, पार्टियों को जिताते हैं, उनको एक दो लालच दे दिया जाता है और वो मान जाते हैं और वोट बैंक बनते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि बेवकूफ बनाना आसान है दलितों को? देखो गौतम जी ने जो बात की, हमारे आदरणीय हमारे दिल्ली सरकार के अंदर वो मंत्री रहेंगे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। अगर वाल्मीकि समाज का और दलित वर्ग का अगर बोर्ड चाहिए तो सत्ता हासिल करने के लिए, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हमारे मंत्री बना दिए, दिल्ली सरकार में कितने मंत्री हैं, अगर स्टेटों के अंदर जो बीजेपी की जो सरकार आएंगी या अन्य और किसी पार्टी की सरकारें, बता दे वाल्मीकि समाज के कितने मंत्री बनाएंगे, उनको तो छोड़ो, आप जो लेवल जो नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं उसमें बता दो कितनी वाल्मीकि समाज के नौजवानों को आपने मेयर बनाया हो, डिप्टी मेयर बनाया हो, स्टैंडिंग कमेटी का कुछ चेयरमैन बनाया, कुछ बना दो, बता दो। नहीं, जब इतनी भारी संख्या में दलित OBC SC ST हैं, फिर भी आप एक सरकार को ना ही अपना कोई मंत्री बना पा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री बना पा रहे हैं, ये सब इतने पीछे क्यों हैं? उसका कारण यही है ना मैडम, जब वो लुभावने जब वादे करते हैंगे तो ये समाज भोला है वाल्मीकि समाज, आज ये अपने हक के लिए और अपना अच्छा और अपना बुरा समझने इनको खूब आ गया आएगा, ये जानते हैं कि कहाँ हमारा अच्छा कहाँ हमारा बुरा। जागरूक हो चुके हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षा की ओर सबसे बड़ा है कि वाल्मीकि समाज सबसे पहले शिक्षा की ओर नहीं था, आज हमारे बच्चे आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, IAS की कंपटीशन के अंदर रहेंगे, IPS की कंपटीशन हमारे बच्चे कर रहे हैं, जजेस के लिए हमारे बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, हमारा वर्क हमारा बच्चा वाल्मीकि समाज का कान आज हर जगह लड़ाई में, यही तो इनको चुभन है कि आज ये पढ़ लिख कर निकल क्यों रहे हैं, आगे क्यों आ रहे हैं, ये इनको चुभन है, कोई एक पर्टिकुलर समाज को आप बोल रहे हैं, ये जिनकी सरकार बैठी है इनको तो चुभन है और किनको चुभन है कि ये कैसे निकल रहेंगे, जिन्होंने मैडम देखो कहने के लिए सब हम सब हिंदू हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक हैं, हमें कौन मानता है हिंदू? नहीं मानता है। हमें तो कोई हिंदू मानते नहीं, हमें तो जब मानते हैं हिंदू जब देश के ऊपर कोई आफत पड़ती है, हमें जब हिंदू माना जाता है, उससे पहले हम कोई हिंदू ही नहीं है। अगर हम सबसे बड़े हैं तो दलित हैं, अछूत हैं, जिनकी परछाई से भी पीछे भागते हैं, आज भी आप क्या मानते हो, जिस स्टेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी जिस स्टेट से आते हैं, अमित शाह जी जिस स्टेट से आते हैं, गुजरात से, आज कई गांव वहां ऐसे कि जिन कुएं के ऊपर हमें पानी भी नहीं पीने दिया जाता, आज भी वहां पर कई गांव ऐसे कि आज भी जूते चप्पल सर के ऊपर उठाए जाते हैंगे, अभी भी मैडम, आज भी कई ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कई गांव जो है, आज निर्भया कांड इतना बड़ा कांड यूपी के अंदर हो गया, क्या उस बेटी को न्याय मिला? निर्भया कांड तो दिल्ली में हुआ था, वो वाला कांड हाथरस का कांड, हाथरस का जो कांड हुआ था मनीषा वाला, वो कितना बड़ा कांड था बताओ? आज फिर कल एक मनीषा साक्षी गौतम मरी है, वो भी दलित, साक्षी गौतम जो मरी हैगी बुआना के अंदर, जिसको मारा गया बड़ी बेरहमी से मारा गया उस लड़की को, वो भी दलित है। उसके 22 चाकू कहते हैं कि 22 चाकू मारे, जबकि लोग वहां से निकल रहे थे, किसी ने रोका, किसी ने बचाया। अगर कोई मार्शल कॉम है, अगर यहाँ किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ लगा के दिखाए कोई, अगर हम भी पाँव पे पाँव रख के ना चीर के दिखा दे उसको, रखे ना हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ, जो है दिल चाहिए, जिगर चाहिए, ये जिगर है वाल्मीकि समाज के अंदर, हर तरीके की फौज है, फौज के अंदर हर टुकड़ी है, तो वाल्मीकि समाज की बनाओ ना भीम आर्मी, बनाओ आप भीम आर्मी भी तो है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा मैडम, मैं आर्मी के अंदर बात कर रहा हूँ, बनाओ ना हमारी भी टुकड़ी, क्यों नहीं बनाते, पहले थी हमारी क्यों हटा दी, बनाओ ना, हम बताएंगे, राजपूत भी है, है ना, राजपूत भी है, जाट भी है, गोरखा भी है, हीर सब है ना, तो बनाओ ना वाल्मीकि हमारी भी,
मांग हम बताएंगे देश के लिए। मैडम हमने खूब मांग कर ली है अपनी, और हम तक अब मांगी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम तक अब तक अपनी मांगी तो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो हम ये संगठन चला रहे हैं, ये जो मेरे भाई है, जो मित्र, जो मेरी बहन है, जो मेरी माता यहाँ आई हैं इतनी दूर से, ये कोई परेशानी के लिए थोड़ा ही है यहाँ, ये अपने हक और अपने अधिकारों के लिए आई है। ये सोई भी सरकार को नरेंद्र मोदी जी को यहाँ जगाने के लिए, उनको बताने के लिए आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं बाल्मीकि समाज जो आपके शिविर में बाथरूम में हर जगह काम करता है, गंदगी उठाने का काम करता है, आज भारत सोचने पर मजबूर है। मैंने जब इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भारत बड़े बड़े लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत आज अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल है, क्या ये अमृत काल की परिभाषा है, क्या यही रामराज की परिभाषा है, जब खुलेआम बीच सड़क पे दिल्ली में किसी लड़की को चाकू मार के हत्या कर दी जाती है, क्या ये रामराज है, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है इंडिया में, क्या ये है भारत? आप देख सकते हैं ये लोग मांग कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कितने लोग, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हमने अभी बात की, ये लोग दिल्ली के हैं और कुछ लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अभी भी ये लोग आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे हैं, और जैसा कि राजन पाल गौतम और तमाम जो हैं दलित नेता और जो भी हैं बहुजन के नेता, वो तमाम लोग कहते हैं वोट बैंक मत बनिए, अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आप उसकी मांग कीजिए, पढ़िए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दलित समाज के लोग हमें देख रहे हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, बाबा साहब ने यही कहा था। पूरी खबर पे, पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।